जी, अब जब हम बात करने वाले जिस टॉपिक के बारे में, वो है हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारा ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास फिजिक्स के अंदर, जिसके हम अहम पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर कोई और नाम देना चाहें, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरे। और इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाके एक्सरेज पढ़ेंगे, तो एक्सरेज का कोई और नाम अगर हम देना चाहें तो वो क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरे, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली है क्या? देखिए, हमारे पास एक मेटेलिक प्लेट है और इस मेटेलिक प्लेट पर हम फोटॉन्स को फॉल करवा रहे हैं। कौन से फोटॉन है? अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स है हमारे पास, राइट? तो जब अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स मेटेलिक प्लेट के ऊपर फॉल करते हैं, तो मेटेलिक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट? और ये फोटो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या बनाते हैं? करंट बनाते हैं हमारे पास। तो हमें होता यह है कि जब भी हम अल्ट्रावायलेट फोटोन को स्ट्राइक करवाते हैं मेटेलिक प्लेट पे, तो मेटेलिक प्लेट से हमें फोटो इलेक्ट्रॉन यानी करंट मिलता है। तो लाइट यहां पे स्ट्राइक करती है और हमें क्या मिलता है? करंट मिलता है। तो फोटो का इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? तो अल्ट्रावायलेट फोटोन को हमने से बम्बार्ड कराया, से इलेक्ट्रॉन निकला। अब बात यह है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके ऊपर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं। ऑन ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन हमारी क्लासिकल फिजिक्स के पास नहीं थी। उसकी वजह यह कि क्लासिकल फिजिक्स का जो, फिर वही बात है, जो कॉन्सेप्ट है अबाउट द एनर्जी वो डिफरेंट था, राइट? उसकी वजह से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे जो भी तमाम ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही थी, किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। तो फिर हमने क्या किया, अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया। फिर आइंस्टाइन ने मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी का, उसके जरिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो जरा समझ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो पहली ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, वो कुछ इस किस्म की है। अब ये जरा समझ लें, ये क्या बात है हमारे पास। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हम एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं अपनी लैब के एक्सपेरिमेंट के लिए। देखिए, हमारे पास होता ही है, अब अगर मैं अपने जो हमारे घरों की मिसाल दूं, तो हमारे पास जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 220 वोल्ट और ये फिक्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है? और हमारे पास पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये भी फिक्स है हमारे पास, राइट? इंग्लैंड का सिस्टम है हमारे पास, इंग्लैंड के स्टैंडर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका में जो वोल्टेजेस है वो कितने होते हैं? 110 होते हैं। और अमेरिका में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? वो होती है 60 हर्ट्ज होती है हमारे पास। जापान में भी ऐसी होता है, जापान के अंदर भी 110 एंड 60, ये जाहिर सी बात है जापान का स्टैंडर्ड जो है वो अमेरिकन भी है। तो बारह अभी यहां बात करते हैं, आप ना तो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, आप ना तो वोल्टेजेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? हमारे घरों में जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वही है और जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वही फ्रीक्वेंसी फिक्स है। तो इन दो चीज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि हमें डिफरेंट इंटेंसिटी मिलती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक है जिसे मैं कहता हूं 50 वॉट का बल्ब है। ये जो वॉट है, वॉट इज द पावर, ठीक है? फिर मेरे पास एक बल्ब है जिसकी वॉट है मेरे पास 100 वॉट। तो 100 वॉट एक पावर है, बट अभी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं 50 वॉट की रोशनी कम होगी और 100 वॉट की रोशनी ज्यादा होगी। तो ये जो वॉट है इससे मैं रिलेट कर सकता हूं किसको? इंटेंसिटी को। तो जिसकी पावर ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसी तरह अगर मेरे पास एक बल्ब है 500 वॉट का, तो उसकी रोशनी और ज्यादा होगी यानी उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा होगी। तो दिस इज द इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी इज अ डिफरेंट। तो इस एग्जाम्पल से मुझे बात समझ में आ रही है कि मैं किसी एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिफरेंट इंटेंसिटीज ले सकता हूं। ये बात समझ आ रही है? जिस तरह मैं अगर मुख्तलिफ बल्ब चेंज करता रहूं तो बल्ब की पावर चेंज करने से आई विल गेट द डिफरेंट इंटेंसिटीज और फ्रीक्वेंसी तो जो है वो सेम है। लेकिन चूंकि हमने एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें हम फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकें, राइट? जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अमेरिका में अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पर जो जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है,
तो क्या अमेरिका में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे मुझे डिफरेंट इंटेंसिटी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, मुझे वहां पर भी डिफरेंट इंटेंसिटी मिलेगी, राइट? ओके, सो नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, जिस डिवाइस के जरिए हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख के डिफरेंट इंटेंसिटीज भी ले सकते हैं, और जब हम चाहें तो इंटेंसिटी को फिक्स करके मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ एक 50 वॉट का बल्ब लगा लेता हूं, और उस 50 वॉट के बल्ब का मतलब है कि अब मेरी इंटेंसिटी फिक्स हो गई, वो 50 है, और उस इंटेंसिटी के ऊपर मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को अप्लाई करूं, ठीक है? हम अपने घर में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन चेंज द इंटेंसिटीज, बस वी कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी, बट नाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ डिवाइस, बाय विद द हेल्प ऑफ दैट डिवाइस वी कैन नॉट ओनली चेंज द इंटेंसिटी बट वी कैन ऑल्सो चेंज द फ्रीक्वेंसीज, राइट? और उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, और उसी इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली मैंने यहां कनेक्ट किया जिसके जरिए मैं लाइट को फॉल करा रहा हूं। तो इस वक्त जो मैं लाइट फॉल करा रहा हूं, इस लाइट की इंटेंसिटीज को मैं चेंज कर सकता हूं, और उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है। यह है मेरी पहली ऑब्जर्वेशन, फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, मैं फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल छेड़ नहीं रहा, जो फ्रीक्वेंसी है वही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं, इंटेंसिटीज चेंज कर रहा हूं। तो मैं इंटेंसिटी को आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज करें कि जनाब अगर मेरे पास था 10 वॉट का बल्ब था, तो मुझे जो यहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, यानी जो करंट मुझे मिल रहा था, वो फोटो इलेक्ट्रॉन मुझे मिल रहे थे 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे। ये बात समझ आ रही है? एक मिसाल ले रहा हूं, एक फर्ज कर रहा हूं अपनी तरफ से कि अगर मैंने 10 वॉट का बल्ब लगाया तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अब मैंने जो बल्ब है वो 10 वॉट से बढ़ाकर वो मैंने कर दिया 50 वॉट, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिले, मुझे 50 इलेक्ट्रॉन मिले। इसी तरीके से मैंने इसे कर दिया जनाब अली 100 वॉट, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिले, मुझे 100 इलेक्ट्रॉन मिले। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो रही है, करंट ज्यादा हो रहा है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ गई होगी, आसान सी बात है, राइट? अच्छा, और इस वक्त हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, हमारे पास वो कॉन्स्टेंट थी। इसके ग्राफ की मेरा ख्याल है हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ग्राफ हम जो बनाते हैं वो कुछ इस किस्म का ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर वोल्टेज दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पर इस एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे हम करंट ले ले करंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ कुछ इस किस्म के ग्राफ हमारे पास बनते हैं, ये हमारे पास ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ डिफरेंट इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 3, राइट? सो डिफरेंट इंटेंसिटी के ऊपर जो है वो मुझे जो है आप देख सकते हैं डिफरेंट करंट मिल रहा है। इंटेंसिटी कम है तो आई करंट कम है, इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट और ज्यादा होगा, इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट और ज्यादा होगा। ये जो करंट है हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट हो गया कि वोल्टेज से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस करंट को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। इसे क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं हम लोग इस चीज को। और जिस जगह आके ये एक ही खास जगह पे तमाम प्रोसेस एंड कर रहा है, ये तमाम जो है ये जो हमें करंट मिलना बंद हो गया चूंकि एक ही पॉइंट के ऊपर हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं, और इसको हम माइनस वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को। माइनस का मतलब यह है कि ये रिवर्स पोलैरिटी में होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस प्लेट को कनेक्ट कर देता हूं किसी नेगेटिव से, फिर ये पॉजिटिव है, और यहां पे मैंने एक और प्लेट लगा ली इस तरीके से, और उस प्लेट को मैंने क्या कर दिया, इस पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और यहां पे एक एमीटर लगा देते हैं ताकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर कलेक्ट हो, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर कलेक्ट हो, तो वो जब यहां से फ्लो करे तो सुई मूव करे ताकि हमें पता चले जब लाइट पड़ी तो करंट मिल रहा है। ओके, तो ये जो प्लेट है जिसको मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया, इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया, तो जाहिर सी बात है जब लाइट आगे टकराएगी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे खुद भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव प्लेट दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस प्लेट इस ये जो हमारे पास वोल्टेजेस हैं, ये वेरिएबल वोल्टेजेस हैं, इसको मैं अगर चेंज कर दूं, मैं अगर पोलैरिटी इस तरीके से कर दूं कि मैं इसको पॉजिटिव कर दूं और इसको नेगेटिव कर दूं, अगर मैं इस तरह कर लूं, तो अब ये मेरी प्लेट क्या होगी, पॉजिटिव हो गई। अगर ये मेरी प्लेट पॉजिटिव हो गई तो लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आ जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो आप इस प्लेट को इतना पॉजिटिव कर दें,
इतना पॉजिटिव कर दें, ये देखें यहां से, ठीक है, ये पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव कर दें कि जो लाइट आके टकराए वो इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करें, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो कि इलेक्ट्रॉन ना निकले। ये है वो वोल्टेजेस जिसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिवर्स वोल्टेजेस। वैसे तो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म ने कौन से वोल्टेजेस दिए हुए थे, नेगेटिव दिए हुए थे टू परफॉर्म द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकने के लिए लाइट पड़े जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मैं उन इलेक्ट्रॉन को ना निकलने दूं, मैं इस प्लेट को, आप बात समझ रहे, मैं इस प्लेट को ऑपोजिट वोल्टेजेस दे रहा हूं। तो इस नेगेटिव का मतलब है ऑपोजिट पोलैरिटी, पोलैरिटी जब आपको अच्छी तरह पता होगी पोलैरिटी क्या होती है, तो दिस इस नेगेटिव का मतलब नेगेटिव वोल्टेजेस नहीं है, इस नेगेटिव का मतलब है जो भी पोलैरिटी दे रहे थे जिसपे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उसका ऑपोजिट, तो ऑपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये ऑलरेडी वोल्टेजेस नेगेटिव है, यहाँ पर ये बात समझ आ रही है, ओरिजिन से इधर पॉजिटिव है, ओरिजिन से इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव ये, तो माइनस वी नॉट लिखने का मतलब है कि ऑपोजिट वोल्टेजेस देने पड़ते हैं, ये समझा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो पोटेंशियल, वो वोल्टेजेस, रिवर्स वोल्टेजेस, जिन रिवर्स वोल्टेजेस पे अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। दरकार ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। सेकेंड हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या थी, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर रहे हैं। इस दौरान हमने इंटेंसिटी को बिल्कुल नहीं छेड़ना, तो हमने क्या किया, इंटेंसिटी फिक्स कर दी, कोई एक इंटेंसिटी रख दो, फर्ज करोगे हमने इंटेंसिटी जो है वो जो बल्ब लगा दिया वो कितना लगा दिया, 100 वॉट का लगा दिया, तो 100 वॉट के बल्ब का मतलब है मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ओके, क्योंकि मैंने इंटेंसिटी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट किया ना, तो 100 वॉट का मतलब है 100 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर ये रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, जो आने वाली जो लाइट है अगर वो पहले फ्रीक्वेंसी थी मेरे पास कितनी 50 हर्ट्ज, और अब मैंने वो फ्रीक्वेंसी कर दी 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी, और मैंने बल्ब कौन सा लगाया हुआ है, मैंने आपसे कहा कि मैंने इंटेंसिटी फिक्स कर दी है और 100 वॉट का बल्ब लगाया, जिसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 100 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी 50, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन थे उन वो जो निकल के जा रहे थे, जब कुछ चीज मूव करती है इट हैज काइनेटिक एनर्जी, तो जैसे वो फ्रीक्वेंसी मैंने 50 से 60 की, तो इलेक्ट्रॉन तो मुझे वही 100 मिले, लेकिन उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ज्यादा हो गई, वो बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ इंटेंसिटी का ताल्लुक तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ ही है, कि उनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से 50 से 60 करने पे जो इलेक्ट्रॉन मुझे 100 मिल रहे थे वो अभी भी 100 मिल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं डाला, मगर फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमें पता चला जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जा रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई, फ्रीक्वेंसी कम करें तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद पे फर्क नहीं पड़ता। तो हमें ये समझ में आया कि एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी कह लें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, जबकि हमने इंटेंसिटी फिक्स रखी ताकि हमें ऑब्जर्वेशन को सही समझने में आसानी हो। तो इसको भी हम अगर ग्राफ की जबान में बात करना चाहें तो इसका ग्राफ भी हम कुछ इस किस्म की बात कर लेते हैं कि इस तरह हम बात करते हैं कि जनाबे अली फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये वो वोल्टेजेस का एक्सिस है, हमारे पास ये इंटेंसिटी का एक्सिस है, क्योंकि मैंने इंटेंसिटी फिक्स ली हुई है, एक इंटेंसिटी ली है तो एक इंटेंसिटी इसको मैं आई कह रहा हूं, ओके। अच्छा अब जनाबे अली अगर ये जो मैंने ग्राफ बनाया इस वक्त अगर मेरी फ्रीक्वेंसी है फर्ज कर लो 50 हर्ट्ज वाली है, तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं 60 हर्ट्ज करता हूं तो एक हैरत अंगेज बात यह होती है कि ये लाइन यहां चली जाती है, यहां चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्रीक्वेंसी कम है मेरे पास, ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी जिसको मैं कह देता हूं F1 और इसे कह देता हूं F2, ठीक है, F1 50 है और F2 मेरे पास कितना है 60 है। तो जब फ्रीक्वेंसी कम है तो देखो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है या करंट है वो तो वही मिला, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो तब भी मुझे करंट वही मिला, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, लेकिन अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा हो गया। कहने का मतलब यह है कि फर्ज करो कि जब आपने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रखी थी और इंटेंसिटी हमारे पास कितनी थी 100 वॉट थी, यानी 100 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल रहे थे, तो मुझे 100 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, मैंने इन वोल्टेजेस को रिवर्स किया, यानी इस प्लेट को इतना पॉजिटिव कर दिया कि जनाबे अली हम ऐसे समझ लेते हैं, मैंने इस प्लेट को मैंने कर दिया 10 वोल्ट दे दिए, सही है, तो मैंने इसको 10 वोल्ट दिए, जब पॉजिटिव 10 वोल्ट मैंने इस प्लेट को दिए 50 हर्ट्ज के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गए, तो आपने 10 वोल्ट को क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दिया। ये बात समझ आ रही है।
अब मैंने वो जो 10 वोल्ट का बल्ब था वो 10 वोल्ट पे है, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। फ्रीक्वेंसी कितनी? 50। मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी 50 से 60 कर दी, दोबारा इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। बात समझ में आ रही है? तो वो जो 10 वोल्ट थे वो 50 हर्ट्ज पे तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के काबिल थे, लेकिन वो 10 वोल्ट जब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो अब इलेक्ट्रॉन को नहीं रोक रहे। तो मैंने इन पॉजिटिव वोल्टेज को मजीद बढ़ाना शुरू किया। फर्ज करें कि जी 15 वोल्ट मुझे करने पड़े और 15 वोल्ट पे जाके अब इलेक्ट्रॉन दोबारा रुक गए। तो किस चीज पर फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। ये बात समझ में आ रही है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, यानी जो एनर्जी है, ऐसी बात है, अगर तो जो हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, अगर तो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एनर्जी के साथ है, तो इसका मतलब है कि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब एनर्जी ज्यादा कर दी, एनर्जी ज्यादा कर दी तो दोबारा निकलना शुरू हो गए। ये हम आपसे कहना चाहते हैं, राइट? तो ये दो ऑब्जर्वेशन जो है, इन दो ऑब्जर्वेशन से जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं वो नतीजा अब बिल्कुल क्लियर है। इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक है, करंट का ताल्लुक है, और फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी एनर्जी का ताल्लुक है, राइट? तीसरी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी हम कहते हैं कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व। अब ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का, थ्रेशहोल्ड आपको पता है आम इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है कि यानी वो लिमिट जिसके बाद कोई चेंज आ जाता है उसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड कहते हैं उसको। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जिस वैल्यू से कम करने पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट करें कि अगर मेरे पास 50 हर्ट्ज के ऊपर मुझे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है, 60 50, मैंने फ्रीक्वेंसी 50 से करके कम करके 45 कर दी, ये सिर्फ मैं मिसाल में समझाना चाह रहा हूं, तो मुझे स्टिल इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? अगर मैंने 100 वोल्ट का बल्ब लगाया तो मुझे 100 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ना कम होगा ना ज्यादा होगा, क्योंकि आई एम ओनली चेंजिंग दी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन तो मुझे उतने ही मिलने, बी केयरफुल ना, ओके? अच्छा, मैंने फर्ज कर लो इसको कर दिया जनाब अली 42 हर्ट्ज कर दिया, मुझे अभी भी उतने ही 100 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन एनर्जी कम है उसकी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एनर्जी के साथ है। यहां तक के जैसे ही मैं 40 हर्ट्ज पे आया तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन मिलना स्टॉप हो गया, बिल्कुल बंद हो गया इलेक्ट्रॉन मिलना। अब मैं बोलूंगा भाई ये क्या बात हुई, मुझे कुछ तो इलेक्ट्रॉन मिलते, लेकिन देखें मैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम करता जा रहा हूं तो मेरे पास उनकी एनर्जी कम हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 100 ही थे, लेकिन मैं एक ऐसी वैल्यू पे पहुंच गया फ्रीक्वेंसी की कि एकदम से सारे के सारे 100 इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गए एकदम से। भाई 100 निकल रहे थे, 50 रह जाते, चलो 10 रह जाते, चलो 5 रह जाते, कुछ तो इलेक्ट्रॉन मिलते, लेकिन इलेक्ट्रॉन मिलना कंप्लीटली स्टॉप। तो इलेक्ट्रॉन का मेटल प्लेट से इमिट होकर बाहर आना, इट डिपेंड अपॉन ए फिक्स वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और ये जो वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी है ये हर प्लेट के लिए डिफरेंट होती है, ये याद रखिएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है जिस जो कम से कम, तो ये फ्रीक्वेंसी यानी 40 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी तो देनी पड़ेगी, वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इस एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल है, इसमें कोई मैंने कोई फिक्स वैल्यू नहीं ली कोई एग्जाम्पल, ठीक है, ये अपनी तरफ से मैंने सपोज किया है। तो मेरा जो सपोजिशन है उसके मुताबिक 40 से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऊपर तो देनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी, 41 कर दो तो 41 कर दो या 60 कर दो, इलेक्ट्रॉन तो 10 ही निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है एक खास वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी की कि वो वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसे हम कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन ऐसे करते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या दूसरे अल्फाज में मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिलो विच, जिससे नीचे देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो दोनों तरीके से हम कर लेते हैं, राइट? अच्छा, फिर चूंकि यहां पर एक चीज आपने और भी सीख ली है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किसके साथ है, एनर्जी के साथ है। तो और हमने ये भी पढ़ा है कि ई किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर है। तो अगर ये जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को बाय द वे हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू नॉट से, ओके? तो अगर मैं न्यू नॉट लिखता हूं यानी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पर जो एनर्जी हमारे पास बनती है उस एनर्जी को बजाय हम ई लिखने के इस सिंबल फाई, जिसको हम फाई पढ़ते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस फाई को हम इस एनर्जी को फिर जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं वर्क फंक्शन का। मेरा ख्याल याद रहेगा, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हो गया हमारे पास,
वो कम से कम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हमारे पास कहलाती है वर्क फंक्शन, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, आसान है ठीक है। कम से कम एनर्जी की अगर हम बात करेंगे या मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर, या मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों तरीके से बात कर लो, इट इज वर्क फंक्शन एनर्जी की जबान में, फ्रीक्वेंसी की जबान में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। अच्छा, आपको मैंने चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी ये बात पढ़ाई थी, आपको याद होगी कुछ इस तरह मैंने आपसे बात की थी कि मैंने कहा था कि जो वोल्टेजेस होते हैं वो बर्डन पर यूनिट चार्ज होता है, और चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम लिखते हैं ई, ये बात समझ में आ रही है। तो इस ई को जब लेके चले जाएं तो ई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो वर्क एनर्जी होती है, तो एनर्जी किसके बराबर है, ई वी के भी बराबर होती है, राइट। और इसमें अगर हम वोल्टेजेस लिखते हैं कौन से, वी नॉट, कौन से वोल्टेजेस, थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस, तो ये बेसिकली दिस इज द बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, ये जो वर्क है जिसको मैं एनर्जी कह रहा हूं, तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, मैंने वो वोल्टेजेस दे दिए जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस, थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस पर कोई इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्या कहते हैं, एक बंदे को हमने जंजीरों में जकड़ दिया अच्छी तरह बांध दिया और फिर भी भागने के लिए तैयार है, तो आप बोलेंगे भाई साहब बहुत एनर्जी है, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आउट होने के चक्रों में है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो मैक्स होगी ना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ई वी नॉट, हम इस तरीके से भी लिखते हैं। इसका ग्राफ भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं, ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं कि इस एक्सिस के ऊपर हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं और इस एक्सिस के ऊपर हम काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, ई वी नॉट लिख रहे हैं, ओके, ई वी नॉट लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, कल ई वी लिखते हैं, ई वी नॉट, वी नॉट तो ई वी कर लेते हैं। तो अब क्या है, देखो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, मतलब यहां से ऐसे ले लो कि जब मैं फ्रीक्वेंसी स्टार्ट की थी ये तो मैं 60 से 40 पे चला गया था ना, आप रिवर्स ले लो, आप ले लो कि हम जीरो फ्रीक्वेंसी से चल रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते मैं 10, 15, 20, 25, 30, 35, 38, 39, 40, और जैसे 41 की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि 40 को मैंने क्या मान लिया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं कह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते मैं एक ऐसी वैल्यू पे आता हूं कि देखिए मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, लेकिन जैसे मैं एक खास वैल्यू पे आता हूं फ्रीक्वेंसी की, अब मैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाते हैं, तो इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, ये आसान किस्म की बात है। तो ये हमारे पास सारी आ गई ऑब्जर्वेशन किसकी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशन को हम क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हमारे पास दो वजहें हैं। पहली वजह हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे पास जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, जो कि इस पे बेस कर रहा था कि एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ है, इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड के साथ है, वेव नेचर रखती है, कंटिन्यूस होती है, जो मैंने सारी बातें अभी आपसे थोड़ी देर पहले कही थी। और दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट यह है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी हो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलना चाहिए था, चाहे कितना ही कम क्यों ना होता। तो ये दो वजहें हैं, जिस दो वजहों की वजह से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया 1913 में, और उसके 7 साल बाद यानी फिर 1921 में आइंस्टाइन की जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन थी उसको बहुत ही ज्यादा वैलिड मानते हुए 1921 के अंदर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। तो आइंस्टाइन को जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है वो नोबेल प्राइज फॉर द सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला। कोई उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे नहीं मिला, कोई उसको लेजर या एटम बम की इजाद, इन तमाम किसी चीज पे नहीं, आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला है दैट इज फॉर द सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन ने ऐसे एक्सप्लेन किया, उसने चंद चीजें मान ली, एक तो वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को लेकर आ गया, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ही है कि मिसाल के तौर पर कमरे में, क्या कमरे में कोई बंदा है, अगर मैं आपसे कहूँ तो आप इसका सवाल का जवाब ऐसे भी दे सकते हो कि हाँ कमरे में कोई बंदा है या हाँ कमरे में कोई बंदा नहीं है, तो आप हाँ कह सकते हो या ना कह सकते हो, लेकिन स्टैटिस्टिकली आप ये बोलोगे कि 50% चांस है कि कमरे में कोई बंदा है और 50% चांस है कि कमरे में कोई बंदा नहीं है, मेरी बात समझे,
तो जब चांसेस के ऊपर कुछ चीज आ जाती है तो ये स्ट्रेस, ये स्टैटिस्टिक्स मैथ्स की एक ब्रांच है, बल्कि अब तो ये खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हम चांसेस के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, इसको मैथ्स वाले पढ़ते हैं, मैथ्स वाले भी इंटरमीडिएट में वायरल छोड़ ही देते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये इस ब्रांच और बहुत ही बेहतरीन ब्रांच है मैथ्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करती है कि कितने चांसेस हैं किसी चीज के होने के और कितने चांसेस हैं किसी चीज के ना होने के। तो आइंस्टाइन ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, और सिंपली बात सुनना, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के पास कोई चांस नहीं है कि वो एक से ज्यादा फोटोन एब्जॉर्ब करे। क्लियर? मतलब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं और मैं फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा हूं, तो मैं जैसे मैं एक फोटोन एब्जॉर्ब करूंगा उस फोटोन की एनर्जी को चेक करूंगा कि क्या ये एनर्जी कितनी है कि मैं मेटल प्लेट से निकल सकता हूं। अगर तो ये एनर्जी इतनी है कि मैं मेटल प्लेट से निकल सकता हूं तो मैं निकल जाऊंगा, और अगर मुझे पता चला कि ये एनर्जी इतनी नहीं है कि मैं मेटल प्लेट से निकल सकूं, तो मैं उस फोटोन जो मैंने अब्सॉर्ब किया उसको मैं क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, वापस रेडिएट कर दूंगा। बाय द वे इस चीज को कोहेरेंट स्कैटरिंग भी कहते हैं, ये लफ्ज भी याद रखिएगा। ठीक है, कोर्स में नहीं है लेकिन एक छोटी सी बात थी मैंने कहा आपको बता दूं, कोहेरेंट स्कैटरिंग, कोहेरेंट स्कैटरिंग का मतलब है एक पार्टिकल जो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है वही एनर्जी रेडिएट करते हैं सारी की सारी, तो कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है, वही एनर्जी वापस मिल जाती है। ठीक है, लेकिन जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मेरी बात समझ लो। मिसाल के तौर पर मैं इस जगह पे खड़ा था, यहां मैंने एनर्जी अब्सॉर्ब की और जब मैं चलते चलते यहां पर पहुंचा तो मैंने चेक किया ये एनर्जी मेरे किसी काम की नहीं है और यहां मैंने जाकर एनर्जी रेडिएट कर दी, तो अब्सॉर्ब इस जगह की, रेडिएट इस जगह की, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, आती एनर्जी कहीं से जाती है, एनर्जी किसी और तरफ है, लेकिन एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कहते हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग। बाय द वे कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। अब मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन हूं तो मेरे पास कोई चांस ही नहीं है, मैंने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया वही सारी कहानी, उसको चेक किया मेरे मतलब का नहीं था, मैंने उसको रेडिएट किया, क्या इतनी देर में दूसरा फोटोन होकर मुझसे नहीं टकरा सकता, मैं दूसरा फोटोन नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। हो सकता है बोले यस, लेकिन आइंस्टाइन ने बोला नो, देयर इज नो चांस, कोई चांस ही नहीं है एक इलेक्ट्रॉन के लिए कि वो एक से ज्यादा फोटोन एब्जॉर्ब करे, वो एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करे। अब ये वही बात है, एक बंदे को 1000 रुपए चाहिए, आप उसको 500 का नोट दें और वो 500 का नोट आपको वापस फेंक दे, आपकी तरफ बोले मुझे नहीं चाहिए मुझे 1000 रुपए चाहिए, तो आप उसे बोलेंगे भाई 500 तो पकड़ा, मैं दूसरा 500 का नोट दे रहा हूँ, 1000 हो जाएंगे, लेकिन वो आपको इतना टाइम ही नहीं दे रहा जितनी देर में आपने 500 का नोट उसको दिया और अपना हाथ पीछे करके दूसरा 500 का नोट निकाल रहे, उतनी देर में उसने चेक किया मेरे मतलब का नहीं, आपकी तरफ वापस फेंक दिया। तो इसका मतलब यह है कि आप 500 के जितने नोट उसको देते रहे वो सारे के सारे वापस बैग आपकी तरफ फेंक देगा, क्योंकि उसकी डिमांड 1000 रुपए पूरी नहीं हो रही, आपसे नोट उतनी स्पीड से वहां तक नहीं जा रहा है जितनी स्पीड से वो वापस रिजेक्ट कर देता है, मेरी बात समझ रहे हैं, तो उसकी डिमांड पूरी करने के लिए आपको एक ही दफा में वो 1000 का नोट देना पड़ेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि वो कम फ्रीक्वेंसी का जितने मर्जी फोटोन को देते जाए, एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किसके साथ है, एनर्जी के साथ, मेरी बात समझ रहे हो, तो कम फ्रीक्वेंसी के जितने भी फोटोन आप दे रहे हैं, या मैं ऐसे कहूंगा कम एनर्जी के जितने फोटोन आप दे रहे हैं, वो चेक तो एक फोटोन को एक वक्त में कर रहा है भाई, तो इन ऑर्डर टू मेक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एप्लीकेबल आपको एनर्जी फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, मेरा ख्याल ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन किस चीज की थी आइंस्टाइन ने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, के जनाब अली उसने एक्सप्लेन इससे कैसे किया, उसने एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि भाई एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है, कौन सा, वही जो हमने अभी प्लैंक्स का रेडिएशन लॉ बात किया, तो एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ है। उसने कहा एनर्जी का ताल्लुक जो है एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी के साथ नहीं है, बस किस चीज को उसने मान लिया और से उसने उसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन की क्वेश्चन हम ऐसे लिखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक मेटालिक प्लेट है, उस मेटालिक प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, तो आप यहां से जो रेडिएशन दे रहे हैं उस रेडिएशन की एनर्जी अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जी नहीं निकलेगा, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसको मूव भी कराना है, काइनेटिक एनर्जी भी देनी है, तो आपको यहां पे 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने चाहिए, तो 13 में से 10 से तो वो निकल गया और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उसने किसमें कन्वर्ट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी में। ये बात समझ आ रही है, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो ऐसे बनी है हमारे पास, तो जो टोटल एनर्जी है जिसको मैं लिख रहा हूं ई,
वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी जिसे हमने क्या बोला था वर्क फंक्शन, यानी वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारे पास वर्क फंक्शन कहलाता है, तो ये तो हो गया फाइव, और प्लस बाकी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो उसको क्या लिख दीजिए, ये इक्वेशन है, इसको मजीद हम कैसे कर सकते हैं, E बराबर है एच न्यू के और फाइव बराबर है हमारे पास, या ऐसे कर लें इस K की वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस फाइव को इस तरफ ले आए, तो E माइनस फाइव और नेक्स्ट टाइम में E किसे बराबर है एच न्यू और फाइव किसे बराबर है एच न्यू नॉट, राइट, और इसको हम मजीद कैसे लिख सकते हैं कि एच कॉमन ले लें, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये इक्वेशन है हमारे पास, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर आप कौन सी लिखना चाहते हैं, मैक्स लिखना चाहते हैं, तो यहां पर आपको EV0 लिखना पड़ेगा, सो EV0 इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू E माइनस 5 यानी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जिसके बाद सो दिस इज द एंड ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां तक हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सर कहते हैं कॉम्पटेंस इफेक्ट। अच्छा ना, कॉम्पटेंस इफेक्ट हमारे पास क्या है, कॉम्पटेंस इफेक्ट हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एक अदद इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है एट रेस्ट है, रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास एक फोटोन आया और उसे टकराया और टकराने के बाद वो जो फोटोन है वो एक तरफ चला गया और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये हमारे पास दूसरी तरफ चला गया, राइट, तो ये जो फोटोन है हमारे पास जो आगे टकराया इसे हम कहते हैं एक्स रे फोटोन। तो आप देख सकते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर मैंने अल्ट्रावायलेट कलर इस्तेमाल किया था और क्वांटम के अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एक्सरे फोटोन, तो अल्ट्रावायलेट की एनर्जी कम होती है, एक्सरे की एनर्जी ज्यादा होती है, तो जैसे ही आपने फोटोन की एनर्जी बढ़ाई फिनोमिना ही चेंज हो गया, वो फिनोमिना जो पहले हो रहा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब वो फिनोमिना किसमें चेंज हो गया क्वांटम में, सेम मेटल प्लेट है, याद रखिएगा मेरी बात, सेम मेटल प्लेट है उस पर अल्ट्रावायलेट फोटोन टकरा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आने वाले फोटोन की आपने एनर्जी ज्यादा की, वो फोटोन अंदर जाके इलेक्ट्रॉन में बजाय एब्जॉर्ब होने के इलेक्ट्रॉन को जाके हिट करना शुरू कर दिया उन्होंने, जब हिट करना शुरू किया तो कौन सा इफेक्ट आ गया क्वांटम, तो ये हमारे पास क्या आता है, इसे हम कहते हैं स्कैटर्ड फोटोन कहते हैं और इसे हम कहते हैं रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारे पास होता है। अच्छा एंड करो तो एंगल भी मार्क कर लेते हैं, अगर मैं यहां से इसका एक्सिस बना लेता हूं तो फर्स्ट करो अगर इसका एंगल मैंने लिया हुआ है थीटा और इसका एंगल मैं रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का मैं ले लेता हूं क्या फाइव, इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन इक्वेशन है हमारे पास वो ये है कि असल में है क्या कि यहां पर इसकी एनर्जी है ज्यादा, ठीक है, ई किसके बराबर होता है एच न्यू के बराबर होता है और न्यू मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, चैप्टर 16 में ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाई थी आपको, तो अगर आप सी को लैम्डा से डिवाइड करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा न्यू, तो न्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा, तो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये बात भी मैंने वहां पे कही थी। तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है, तो एनर्जी और वेवलेंथ की इनवर्स रिलेशन, तो जाहिर सी बात है एक्सरे फोटोन की एनर्जी ज्यादा थी जब इलेक्ट्रॉन से टकराया तो सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज डिलीवर्ड टू द इलेक्ट्रॉन व्हिच वाज एट रेस्ट, नाउ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, सो फॉर द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट एनर्जी इज बेसिकली एक्वायर्ड और टेकन फ्रॉम दिस एक्सरे फोटोन, राइट, सो एक्सरे फोटोन की एनर्जी क्या होगी कम हो जाएगी, तो एक्सरे फोटोन की एनर्जी पहले ज्यादा थी, टकराने के बाद जो स्कैटर्ड फोटोन उसकी एनर्जी कम होगी, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या है मेरे पास कम है, तो आप या तो एनर्जी की जबान में बात कर लें या वेवलेंथ की जबान में बात कर लें, तो क्वांटम साहब ने किसकी जबान में बात की थी वेवलेंथ, तो उसने कहा था यहाँ वेवलेंथ कम है, देखो ना एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम होगी, उसने कहा पहले फोटोन की वेवलेंथ कम थी बाद में फोटोन की वेवलेंथ होगी ज्यादा, तो वेवलेंथ में आया शिफ्ट, वेवलेंथ में आया चेंज, जिसे कहते हैं शिफ्टिंग वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा, ये इक्वेशन बेसिकली उसने डेवलप की थी और ये थी एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है जिसमें एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम नॉट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये सारी चीज 2.426 एक्सपोनेंट माइनस 12 बनती है, कौन सी ये सारी चीज, और साथ में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकली। अच्छा अब इस इक्वेशन के अंदर जो समझने वाली बात है वो समझने वाली बात यह है कि एंगल कौन सा लिखा हुआ है थीटा, तो थीटा एंगल किसका स्कैटर्ड फोटोन का,
तो अगर कहीं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो अच्छी तरीके से याद रखना कि एंगल किसका लिखना है, स्कैटर्ड फोटॉन का। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इस तस्वीर में इसको कर देता हूं फाइव और इसको कर देता हूं थीटा, तो अब ये मेरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, डेल्टा लैम्डा यानी जो वेवलेंथ में शिफ्ट आया है, एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाइव लिखूंगा, तो कॉस के साथ एंगल किसका लिखना है आपने, स्कैटर्ड फोटॉन। बाकी इस एंगल के हिसाब से बातें की जा सकती तो है, अगर मैं कहता हूं कॉस जीरो डिग्री और कॉस 90 डिग्री, तो कॉस जीरो होता है वन और कॉस 90 होता है जीरो, सो कॉस 90 जीरो है, तो कॉस 90 का मतलब ये है कि ये इसे टकराया और ये फोटोन बजाय इस तरह जाने के कैसे चला जाए, ऐसे चला जाए, तभी तो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा ना। तो अगर कॉस 90 बने तो कॉस 90 कितने है, जीरो, और अगर कॉस 90 मैं कॉस 90 कर रहा हूं क्योंकि जीरो है, तो वन माइनस जीरो क्या आ जाएगा, वन, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2. यानी इसके ऊपर 90 के ऊपर मुझे 2.426 एक्सपोनेंट माइनस 12, ये मैक्सिमम शिफ्ट आएगा वेवलेंथ में, दिस विल बी द मैक्सिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ, ये मेरी बात समझ आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट क्या है हमारे पास, वो यही है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या होती है, जीरो। ओके, ये बात समझ आ रही है, तो दिस विल बी द मैक्सिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ। अच्छा, अगर कॉस जीरो हो जाए, जीरो का मतलब यह है कि ये जो स्कैटर्ड फोटोन है बजाय वो एंगल बनाने के, ये टकराया और ये स्कैटर्ड फोटोन ऐसे ही चला गया, तो जैसे पहले आ रहा था वैसे अभी चला गया, तो एंगल कितना है, पैरेलल में एंगल कितना होगा, जीरो। तो कॉस जीरो अगर आप रखते हैं यहां पर, कॉस जीरो, तो कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, और वन माइनस वन कितना हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, और पूरा जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा पूरा आंसर कितना हो जाएगा, पूरा आंसर मेरे पास हो जाएगा कितना, जीरो। ये बात समझ आ रही है, तो ये मेरे पास है कि ये वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। मैं इसको जरा सही करके लिख देता हूं, ये तो मेरे पास किसकी वैल्यूज हो गई, कॉस की, ठीक है। इसमें मैं ये कह रहा हूं, इसमें मेरे पास ऐसे कर देता हूं कि डेल्टा लैम्डा मेरे पास कितना हो जाएगा, जीरो, नो शिफ्ट इन वेवलेंथ, नो शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो अगर नो शिफ्ट इन वेवलेंथ है तो इसका मतलब है जीरो का मतलब है कि फोटोन टकराया, स्प्रिट चला गया, बात समझ में आ रही है। और अगर फोटोन टकरा के इस तरफ चला जाए जो 90 वाली मैंने आपसे डिस्कशन की थी, तो फिर मेरे पास डेल्टा लैम्डा कितना आ जाएगा, वही 2.426 एक्सपोनेंट माइनस 12, राइट, और यूनिट क्या होगा साथ में, मीटर। सो दिस विल बी द मैक्सिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ एंड दिस इज द मिनिमम, तो डेल्टा लैम्डा मिनिमम, डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम। ओके, दिस इज कॉम्पटन इफेक्ट, यहाँ जाके हमारा कॉम्पटन इफेक्ट भी हो जाता है कंप्लीट। मेरा ख्याल यही इसमें बातें हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जिस टॉपिक की हम आपसे बात करने वाले हैं उसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, बेसिकली जब भी हमारे पास कोई हैवी न्यूक्लियस हो, ये शर्त है कि जो न्यूक्लियस है वो हैवी होना चाहिए, तो हैवी न्यूक्लियस से जब भी कोई गैमा रे फोटोन, याद रखिएगा गैमा लिखा हुआ है, गैमा रे फोटोन है, जब ये आगे से स्ट्राइक करता है तो डिसअपीयर हो जाता है, और इस हैवी न्यूक्लियस में से थोड़ी देर बाद दो पार्टिकल निकलते हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरे को हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो एक बात तो हमें याद रखनी है कि जब भी पेयर प्रोडक्शन होगा, जब भी गैमा रे फोटोन, हाई एनर्जेटिक फोटोन किसी हैवी न्यूक्लियस से टकराएगा, तो वो गैमा रे फोटोन जो कि एनर्जी है बेसिकली, वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पार्टिकल का मतलब है मैसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास, एनर्जी का मास में कन्वर्जन है पेयर प्रोडक्शन, और वो जो दो पार्टिकल है एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक पॉजिट्रॉन बनेगा। अच्छा, पॉजिट्रॉन जो है ये हमारे पास, इसको हम एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, सही है, और ये हमारे पास एंटी मैटर पार्टिकल है, एंटी मैटर पार्टिकल है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट की क्लास है तो मैं एंटी मैटर के ऊपर कोई बातचीत नहीं करना चाहता और ना मैं कोई ज्यादा थ्योरेटिकल फिजिक्स अंदर जाना चाहता हूं, तो हम इसको सिर्फ उसी लिहाज से देखेंगे जो कि हमारे एमकेएट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जो डिस्कशन है वो मैं अपने सेकेंड ईयर के जो रेगुलर सेकेंड ईयर फिजिक्स की जो क्लासेज है उसके अंदर करता रहता हूँ, इंशाल्लाह मैं ये अपलोड करता हूँ। अच्छा,
इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हमारे पास वो होता है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 केजी, पॉजिट्रॉन का मास भी 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 केजी होता है। इसका जो चार्ज होता है हमारे पास वो नेगेटिव 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम होता है। इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम होता है। सो सेम मास है, सेम चार्ज है, चार्ज की पोलैरिटी डिफरेंट है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। सो ये एंटी मैटर पार्टिकल है। अब गैमा रे फोटोन जब हैवी न्यूक्लियस से टकराता है, हैवी न्यूक्लियस क्यों होना चाहिए, हैवी न्यूक्लियस इसलिए होना चाहिए कि गैमा अच्छी खासी ज्यादा एनर्जी है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी जब किसी लाइटर न्यूक्लियस से टकराएगी तो उसको उसको खत्म कर देगी, उस न्यूक्लियस को तोड़ देगी। ये बात समझ आ रही है? सो द न्यूक्लियस शुड बी द हैवी न्यूक्लियस ताकि वो सस्टेन कर सके। तो आपने देखा होगा आजकल सुपर हीरोज मूवीज का बड़ा चर्चा है। तो एक कॉन्सेप्ट है सुपर हीरो का और वो है हल्क का, आपने नाम सुना होगा, ग्रीन कलर का एक इंसान बन जाता है गुस्से में आके ना। तो उसकी जो ओरिजिन है वो ये बताते हैं कि उसकी बॉडी ने समहाउ कहीं से गैमा रेज जो है वो एब्जॉर्ब कर ली थी, वो गैमा रेडिएशन के सामने आ गया था, तो उसकी बॉडी में वो चेंज आ गया। बाय द वे गैमा रेडिएशन इज वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, तो इंसान के सेल को तो वो बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख देगी, समझ आ रही है? तो इंसान के लिए गैमा रेडिएशन जो है वो इंतहाई शदीद नुकसानदेह है। अलबत्ता कैंसर के इलाज में जिस शख्स के बॉडी के अंदर कैंसर होता है या ब्रेन में, स्पेशली ब्रेन के लिए जब वो ब्रेन ट्यूमर के लिए गैमा रेडिएशन को यूज कर रहे होते हैं, तो वो दे डू देयर बेस्ट के वो एक बीम के तौर पर उसको यूज करें और टारगेटेड उस जगह के ऊपर करें, ताकि चूंकि हमारी जो खोपड़ी है उसके जो हड्डी है वो वन ऑफ दी यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, जो हमारे स्कल की जो बोन है, तो इसकी उसकी पेनिट्रेशन हमें ज्यादा चाहिए, तो हम गैमा यूज कर रहे होते हैं वहां पर, राइट। लेकिन जो बात है वो ये कि गैमा बहरहाल इज वेरी वेरी हार्मफुल, तो जो न्यूक्लियस है वो हैवी होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा जब मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की, तो जो रेडिएशन आ रही थी वो मैंने अल्ट्रावायलेट कलर देखा था, ठीक है, जो फोटोन था वो अल्ट्रावायलेट फोटोन था। फिर जब हमने क्वांटम की बात की तो एक्सरे फोटोन था। आज जब हम पेयर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये गैमा रे फोटोन है। इसका मतलब है कि अल्ट्रावायलेट की एनर्जी कम है, आपको पता है एक्सरे की एनर्जी उससे ज्यादा है, गैमा की एनर्जी उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि कौन सा इफेक्ट होगा, कब फोटो होगा, कब क्वांटम होगा, कब जो है वो पेयर प्रोडक्शन होगा, ये प्रोसेसेस कब होंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आने वाले फोटोन की एनर्जी क्या है। तो आने वाले फोटोन की एनर्जी कम है तो प्रोसेस फोटोइलेक्ट्रिक की तरफ जाना शुरू होता है, और अगर जैसे एनर्जी बढ़ाते जाओगे तो इफेक्ट चेंज होगा। तो इफेक्ट्स जो हैं दे आर टोटली डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग फोटोन, ओके। अच्छा, अब क्योंकि मुझे फोटोन से पार्टिकल बनाने हैं तो ऑब्वियसली बात है जो गैमा रे फोटोन है इसकी एनर्जी इतनी तो हो कि वो क्या बना सके, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास बना सके। आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करते हैं एम सी स्क्वायर से, एम नॉट सी स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये हमारे पास 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का मास कह लें, और सी की वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप उसको सॉल्व करते हैं हमारा आंसर किसमें आता है, जूल्स में आता है, और डिवाइड करते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो अब हमारा आंसर किसमें चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जो एनर्जी हमारे पास आती है ये 0.511 आती है, कौन सी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा प्रीफिक्स है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है ये 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0.511 mega electron volt. This is the energy required to produce the mass of positron. तो चूंकि हमें electron positron दोनों बना रहे हैं, तो जो total energy हमें चाहिए किसके लिए, for pair production के लिए, pair production, वो हमारे पास क्या है, उसको हम 2 से multiply कर देंगे 0.511 को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है और ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। पेयर प्रोडक्शन के लिए यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस करने के लिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। खाली एक इलेक्ट्रॉन का मास जनरेट करने के लिए जो एनर्जी है वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। सो दिस इज द एनर्जी
which is required for the pair production, right? अच्छा अब हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी इनके मैसेज बना रही है वो ये एनर्जी है. अगर इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो बाकी एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. किसकी काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी. तो हम इसकी इक्वेशंस को अब लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और वो कुछ ऐसे लिखते हैं हम कि जो हमारे पास जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती है? hν, राइट? तो वो hν किसमें कन्वर्ट हो रही है? एक तो m नॉट c स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है. किसके? इलेक्ट्रॉन के. और फिर m नॉट c स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है किसके? पॉजिट्रॉन के. और फिर प्लस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है किसके? इलेक्ट्रॉन के. और फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है किसके? पॉजिट्रॉन. जिसको मजीद ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम है तो आप इस पे ऐसे लिख सकते हैं 2m नॉट c स्क्वायर और प्लस 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये दोनों भी सेम है बस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2m नॉट c स्क्वायर प्लस 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी. या 2 को अगर आप कॉमन ले लें तो m नॉट c स्क्वायर प्लस ke. इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. ओके, तो ये हमारे पास तरीका है किसकी इक्वेशन को लिखने का? पेयर प्रोडक्शन की इक्वेशन को लिखने का. मेरा ख्याल है काफी है पेयर प्रोडक्शन के. अच्छा, अब अगली बात जो है हमारे पास, ये बात जरूर याद रखिएगा कि पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? पार्टिकल में, मास में कन्वर्ट हो रही है, राइट? अब अगली बात यह है कि ये जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है जिसको मैंने एंटी इलेक्ट्रॉन कहा था, जो कि एंटी मैटर का पार्टिकल है, तो एंटी मैटर का मतलब है जिस यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं ये यूनिवर्स तो सारी मैटर से मिलकर बनी हुई है. तो इसका मतलब है कि कोई और यूनिवर्स भी होगी जो कि एंटी मैटर से मिलकर बनी होगी. मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो हमारा बेसिक जो यूनिट है मैटर का वो एटम है, तो वहां पर उसका नाम रख देते हैं एंटी एटम. तो यहां पर जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो वहां पर न्यूक्लियस में क्या होगा? एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन. यहां शेल में कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन. वहां शेल में कौन रिवॉल्व कर रहा होगा? पॉजिट्रॉन. तो वो उस मैटर एंटी मैटर से बनी हुई एक यूनिवर्स होगी. हमें नहीं मालूम कहां है, लेकिन हम एक हाइपोथेटिकली अभी अस्यूम कर सकते हैं और मैथमेटिकली इक्वेशन हमें प्रूव करती है कि हाँ ऐसा हो सकता है. अच्छा, आगे हम बात करते हैं. याद रखिएगा ये जो एंटी मैटर पार्टिकल है हमें क्यों नहीं मिलते? इसलिए कि एंटी मैटर और मैटर के पार्टिकल, एंटी मैटर और मैटर जब भी आपस में मिलते हैं ये दोबारा से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाइलेशन ऑफ मैटर. एनाइलेशन का मतलब होता है किसी चीज का इस तरह खत्म हो जाना कि उसका नामो निशान भी बाकी ना बचे, उसे कहते हैं ना एनाइलेट. तो एनाइलेशन ऑफ मैटर का मतलब है कि मैटर का खत्म हो जाना. ऐसी बात है, मैटर का पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, एंटी मैटर का पार्टिकल जिसका पॉजिट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब दोबारा मिलेंगे तो ये दोबारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो मास वो सब कुछ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा. तो इस प्रोसेस का जो रिवर्स है दैट इज नोन एज एनाइलेशन ऑफ मैटर. होता हमारे पास क्या है, सपोज करें कि ये मेरे पास मैटर का पार्टिकल है और ये मेरे पास जो है वो एंटी मैटर का पार्टिकल है. तो मैटर और एंटी मैटर जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये दोबारा से मैटर का पार्टिकल भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एंटी मैटर का पार्टिकल भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो दोनों एच न्यू के अंदर हो जाते हैं. अब दोनों में फर्क समझने की भी जरूरत है. उसमें था, उसमें एक फोटोन दो पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ, समझ आ रही है? पेयर प्रोडक्शन, एक फोटोन आ रहा था और पार्टिकल कितने बन रहे थे? दो. तो एक फोटोन दो पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ, यहां पर दो पार्टिकल दो फोटोन में कन्वर्ट हो रहे हैं. पहला पार्टिकल भी एक फोटोन बना रहा है, दूसरा पार्टिकल भी एक फोटोन. तो यहां पर हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल मिलकर दो फोटोन बना रहे हैं. ये डिफरेंस याद रखने वाली बात है. अच्छा, अब यहां पे इक्वेशन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है कि 2m नॉट c स्क्वायर और 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी ये दोबारा से मिल गई और दो एच न्यू बना लिए लोगों ने. तो जाहिर सी बात है ये जो एच न्यू है, ये वाला एच न्यू, इसकी वैल्यू उस एच न्यू से जो अभी मैंने पहले लिखी थी उससे तो कम होगी. m नॉट c स्क्वायर, 2m नॉट c स्क्वायर प्लस 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी, सही है ना? क्योंकि ये एच न्यू, जाहिर सी बात है ये एच न्यू एक फोटोन का था, तो ये ज्यादा एनर्जी है. तो चूंकि ये एच न्यू 2 से मल्टीप्लाई होगा फिर इसके बराबर आएगा. ओके, तो ये एच न्यू जो है, दिस एच न्यू जो एनालिशन ऑफ मैटर के टाइम पर है, दिस एनर्जी, दिस एच न्यू इज लेस देन दिस एच न्यू जो कि पेयर प्रोडक्शन के टाइम पर. तो इस एच न्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें बिकॉज वी हैव 2 फोटॉन्स. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनालिशन ऑफ मैटर.
और एनिहिलेशन ऑफ मैटर यानी एंटी मैटर, दिस इज न्यू वेपन टेक्नोलॉजी जो अब इंजीनियरिंग के अंदर आ रही है, यानी जो अब एटम बम है वो समझ लिया ऑक्सीडेट होता जा रहा है, वो पुरानी चीज हो गई है, बन तो खैर बहुत ज्यादा गए हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब जो न्यू वेपन है वो हमारे पास एंटी मैटर है। एंटी मैटर हो आप उसको कहीं कहीं पर भी फेंक दें, जब वो मैटर तो हर तरफ मौजूद है तो वो मैटर के साथ मिलेगा और मैटर एंटी मैटर दोनों खत्म हो जाएंगे। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें तो मैंने शायद पहले भी आपको एक मूवी सजेस्ट की थी, एंजल्स एंड डीमन के नाम से है, तो आप एंजल्स एंड डीमन के नाम से जो मूवी है, ये नॉवेल भी है एंजल्स एंड डीमन, तो इसमें आप देख सकते हैं, या इस मूवी का आप ऐसे कर सकते हैं कि यूट्यूब पे लिख के लास्ट सीन देखें। इसमें जो सीन है वो ये कि एंटी मैटर को वेपन के तौर पर यूज किया उन्होंने, का उससे कैसे जान छुड़ाए कैसे बचाए, तो एक बंदे ने अपनी जान की कुर्बानी का मैं देता हूं, और वो एंटी मैटर को हेलीकॉप्टर में रख के आसमान की तरफ चला गया, बादलों की तरफ चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ जरा देखिएगा, अब ये सब उसको देख रहे हैं कि होगा क्या। ये तो वापस आ गया भाई पैराशूट से छलांग लगा के, और ये हेलीकॉप्टर जा रहे था। ये उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया था जिस मैकेनिज्म के थ्रू उन्होंने एंटी मैटर को एक ऐसी चीज में रखा हुआ है कि वो साइड की जो दीवार है उसके साथ जो है ना वो कॉन्टेक्ट ना करे स्पेस में, यानी एक छोटी सी ट्यूब उसमें स्पेस में बंद है। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं मैग्नेटिज्म के टाइम पे, मैंने आपसे कहा था नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। बहरहाल कॉन्टेक्ट हो गया जनाब मैटर और एंटी मैटर, ये देख लीजिए। That's it. मुझे उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ गई है बात जो मैंने अभी आपको दिखाने की कोशिश की है कि जो एंटी मैटर है वो वेपन टेक्नोलॉजी की तरफ अब जा रहा है, और ये एनिहिलेशन ऑफ मैटर था जो सीन हमने देखा है, दिस इज एनिहिलेशन ऑफ मैटर, कि एंटी मैटर बना के जमा कर लो और फिर कहीं भी इसको छोड़ दो। नेक्स्ट हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो हमारे पास है डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस। हम लोग तो इसको डी ब्रॉग्ली पढ़ते हैं, लेकिन ये चूंकि फ्रेंच नेम है इसको एक्चुअल जो उसकी प्रोनाउंसिएशन बनती है तो डी ब्रॉय बनती है। तो डी ब्रॉय हाइपोथीसिस हमसे क्या कहता है, देखो ये बिल्कुल वैसी बात है जिस तरह के हम साइंस वाले लोग क्या करते हैं, हमेशा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रिवर्स प्रोसेसेस के अंदर। ऐसा है या नहीं है, हम पानी यूज करते हैं, हम चाहते हैं कि उसी पानी को हम क्या करें, रिसाइकिल करें। इसी तरीके से हमारे पास जो अब तक आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह निकल के सामने आ रहा है कि जो एनर्जी है हमारे पास जिसको हम वेव समझते आए थे वो कौन सी नेचर एग्जिबिट कर रही है, पार्टिकल नेचर एग्जिबिट कर रही है, पार्टिकल नेचर हमें दिखा रही है। तो डी ब्रॉय ने कहा कि अगर एक अगर एनर्जी जो कि वेव नेचर रखती थी वो पार्टिकल नेचर भी रखती है तो पार्टिकल मैटर जो कि पार्टिकल नेचर रखता है मैटर, तो हो सकता है मैटर मैटर जो है उसकी वेव नेचर भी, ये मेरी बात समझ आ रही है। तो उसने इसको रिवर्स करके सोचा, तो डी ब्रॉय हाइपोथीसिस, हाइपोथीसिस का मतलब होता है कि ये जो साइंटिफिकली जो हम किसी चीज को सपोज करते हैं उसको हाइपोथीसिस कहते हैं। एक होता ना फर्ज कर लेना, इमेजिनेशन के अंदर ले आना, वो नहीं, हाइपोथीसिस का मतलब होता है साइंटिफिक जो मफरूजा होता है, यानी साइंटिफिकली किसी चीज को सपोज करना, वो हाइपोथीसिस कहलाता है, जो मुख्तसर सी डेफिनेशन में कर सकता हूँ। तो बारह उसने सपोज किया, उसने कहा कि मैं रिवर्स ये भी तो समझ सकता हूं कि मैटर जो कि पार्टिकल नेचर रखता है तो जो मैटर है उसकी वेव नेचर भी होगी, और उसने उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की, और वो वेवलेंथ उसने एच अपॉन एम बी कैलकुलेट की, राइट। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे, तो यहां लैम्डा जो है ये पार्टिकल की वेवलेंथ है, दिस इज नोन एज पार्टिकल
वेवलेंथ, और एच हमारे पास कॉन्स्टेंट है 6.634 एक्सपोनेंट -34 होता है, एम हमारे पास जो भी बॉडी है उसका मास होगा और बी उसकी क्या होगी वेलोसिटी। तो अगर मेरे पास सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है उसका मास एम है और वो वेलोसिटी बी से मूव कर रहा है, तो मैं उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि ऑलरेडी वेल नोन हमारे पास वैल्यू होती है, इनको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पार्टिकल की क्या कैलकुलेट हो जाएगी, वेव लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे पार्टिकल जिस तरह अगर मैं चल रहा हूं तो जाहिर सी बात है मेरी जो एसोसिएटेड है मेरी जो मेरा मास बहुत ज्यादा है, मेरी वेलोसिटी बहुत कम है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेव लेंथ कैलकुलेट होगी, अब तक हमारे पास कोई ऐसा डिटेक्टर नहीं है कि जो वेवलेंथ इस फॉर्मूले के मुताबिक मेरी आ रही है उसको क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, क्योंकि विजिबल तो वो है नहीं, तो डिटेक्टर भी कुछ नहीं सेंसिटिव, अब तक हम बनाने में कामयाब नहीं हुए। और अगर आप इसके इसकी आप बोलेंगे कि जी इसको किस तरीके से डिटेक्ट कर रहे हैं, तो बिलियंस ऑफ डॉलर के इंस्ट्रूमेंट है और जो फैसिलिटीज है वो बिल्ड की गई है इनको डिटेक्ट करने के लिए, इट्स नॉट ए जोक, पूरी एक साइंटिफिक रिसर्च है, आप कभी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन बात अभी तक हम इतने सेंसिटिव डिटेक्टर नहीं बना सके, बट व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट लाइट के बराबर उसकी स्पीड वो अचीव कर लेता है, इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतने हाई स्पीड पे इतना लो मास का जो पार्टिकल है वो हमें जो वेवलेंथ इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वो वेवलेंथ एग्जिबिट करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है वो वेव नेचर शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल नेचर शो कर रहा है और वो पार्टिकल नेचर जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट हमें बता रहे हैं और जो हमें फॉर्मूला बता रहा है उससे एग्री कर रहे हैं, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो पार्टिकल है वो वेव नेचर रखते हैं। इसमें जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है एम वी, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हमारे पास क्या कहलाता है, मोमेंटम हमारे पास कहलाता है, तो आप यहां पर इसको h अपॉन m v की जगह पर h अपॉन p भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है, p हमारे पास क्या है मोमेंटम है, बी केयरफुल, तो h अपॉन m v या h अपॉन p इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर इसका जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो एक्सपेरिमेंटल डी ब्रॉय का जो प्रूफ है हमारे पास वो थे डेविसन और जर्मर साहब ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, तो डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो मैच नहीं कर रहा था जो कि अवेलेबल थ्योरी थी उसके लिहाज से जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। एक और साइंटिस्ट थे उन्होंने उसे कहा कि व्हाई नॉट ट्राई डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, कि आप डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से करें, तो डेविसन और जर्मर ने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को फॉलो किया और डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को फॉलो करते हुए उन्होंने ये सपोज किया कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो एक वेवलेंथ है और उन्होंने उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की इसी फॉर्मूले के जरिए। सिर्फ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज देकर आगे थे कि उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने मूव कराया था, सामने एक निकल का क्रिस्टल था उससे इलेक्ट्रॉन टकरा के स्कैटर्ड हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन जिन एंगल से टकरा के मुड़ा था वो एंगल बेसिकली कोई पार्टिकल नहीं बना था, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, और आगे एक डिटेक्टर था जो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर रहा था, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को जो मूव करवाया था वो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी यानी हाफ एम वी स्क्वायर वो क्या थी, उन्होंने उसको जो एक्सेलरेट किया था जो कि हमने ई बाय एम रेशियो के टाइम पर भी बात की थी वो क्या था, उसको हमने वोल्टेजेस से एक्सेलरेट करवाया था, तो उन वोल्टेजेस के लिए जो इक्वेशन है वो हम क्या लिखते हैं ई वी करके लिखते हैं, याद है ना, ये वी वोल्टेजेस है और ये वी वेलोसिटी है, तो यहां से अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू लिखेंगे टू ई अपॉन एम और स्क्वायर आएंगे तो रूट आ जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास यूज करना है तो हम एम नॉट लगा सकते हैं, ये वैल्यू उठा के हमने पुट की इस बी की जगह पर और इस फॉर्मूले को जब हमने सॉल्व किया तो एच अपॉन अंडर रूट टू ई वी एम नॉट, ये हमारे पास जवाब आ गया, ठीक है। ये किसका आया था, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया था। एच वी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, टू एक मेंबर है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट -19 हमें मालूम होता है, और उसके साथ जो है जो वी है ये क्या हमारे पास वोल्टेजेस हैं, और एम नॉट क्या हमारे पास, एम नॉट हमारे पास इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है 9.1 एक्सपोनेंट -31 एम नॉट भी मालूम होता है, तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए ऑल यू नीड इज द वोल्टेजेस, तो बस अगर उसने वोल्टेजेस दिया हो कि किन वोल्टेजेस से मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहा हूं, 1000 वोल्ट है, 5000 वोल्ट है, कितने वोल्ट है,
उन वोल्टेजेस की वैल्यू यार आपको ई पता है, एम नॉट पता है, मैंने अभी आपको वैल्यूज बताई है, टू पता है, मल्टीप्लाई करके रूट किया, एच की वैल्यू से इस आंसर को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। सो दिस इज दिस फॉर्मूला इज बाय डेविसन एंड जर्मर, लेकिन मेरा ख्याल है एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई जरूरी नहीं है, पूछ लेगा, ये पूछ सकता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के अंदर नहीं जाएगा, ये अलबत्ता हमें नजर आता है उसमें क्वेश्चंस में नजर आता है कि इसको वो एज ए न्यूमेरिकल दे रहा होता है, क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो याद रखिएगा मेरी वेवलेंथ है लेकिन डिटेक्टेबल नहीं है अब तक के जो सेंसर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से बिल्कुल एग्री करती है, राइट। तो इसलिए हम डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को आप बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि जी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी और हमारे पास है अनसर्टेनिटी। सो नाउ एम कैट के लिहाज से तो हमने यहां तक बात कंप्लीट कर ली है, अब एक छोटी सी चीज हमारे पास और रही है और वो है हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, लॉर्ड हाइजन ने इसको बेसिकली प्रपोज किया था, लेकिन हम इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम बात कर लेते हैं दोनों के लिए, पार्टिकल के लिए भी और वेव के लिए भी, दोनों के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको बता देते हैं और उसके बाद फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पार्टिकल के लिए क्या है, हम ये कहते हैं कि हम किसी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ अनलिमिटेड प्रिसिशन तक प्रिसिशन के साथ नहीं मालूम कर सकते। अगर हम पोजीशन बहुत अच्छी मालूम करने जाएंगे तो मोमेंटम हमारे हाथ से निकल जाएगा, और अगर मोमेंटम बहुत अच्छा मालूम करने जाएंगे तो पोजीशन हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो दोनों के दरमियान एक अनसर्टेनिटी है, जितनी अच्छी पोजीशन होगी उतना ही कम एक्यूरेसी होगी मोमेंटम की, जितनी गुड एक्यूरेसी मोमेंटम की उतनी मोमेंटम की होगी उतनी कम एक्यूरेसी हो जाएगी पोजीशन की। तो इन दोनों के दरमियान जो अनसर्टेनिटी है हमारे पास वो हमारे पास कहलाती है एच अपॉन टू पाई हमारे पास, और एच अपॉन टू पाई को हम शॉर्ट हैंड के अंदर क्या लिखते हैं, एच कट लिखते हैं, एच के ऊपर कट कर लेते हैं एच कट, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.05 एक्सपोनेंट -34, ठीक है। तो 6.634 को जब आप 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो 1.05 आया था। तो ये हमारे पास है पार्टिकल के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वेव के लिए हमारे पास दो चीजें, उसकी एनर्जी है और उसका टाइम है। तो किसी वेव की एनर्जी और किसी वेव के टाइम में अनसर्टेनिटी होती है। तो अगर एनर्जी बहुत अच्छी आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो जिस टाइम पर कर रहे हैं वो टाइम आपके हाथ से लूज हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी चली जाएगी। जिस टाइम पर कर रहे हैं वो एनर्जी की एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो इन दोनों के दरमियान जो अनसर्टेनिटी है दिस इज एच अपॉन टू पाई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं एच कट, व्हिच इज 1.05 एक्सपोनेंट -34। ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात करनी भी चाहिए, लेकिन चूंकि एमकैट की क्लास है हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। अभी मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिएगा, ये तो रेगुलर फिजिक्स की जो क्लास हो उसके अंदर तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट आपको दिखा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात करना हमारे लिए कुछ ज्यादा सूदमंद नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि कोई रेगुलर अगर फिजिक्स की क्लास होगी तो हम इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ बात कर सकते हैं। अभी हम इसलिए नहीं कर सकते कि एमकैट के लिहाज से हमने सिर्फ इसको देखना है। देखिए मैं कह रहा था अगर मेरे पास एक बॉल हो जिसमें रेड कलर हो, उसको मैं दीवार पे मारूं, तो वो बॉल जाके दीवार पे टकरा के जब वापस आएगी तो मैं आपसे पूछूं कितने निशान पड़े, तो आप बोलेंगे कि वो रेड कलर का एक निशान आगे दीवार पे। लेकिन अगर मैं बॉल को दीवार पे मारूं और बजाय वहां एक निशान बनने के वहां पे 10 निशान बन जाए, और मैं आपसे बोलूं एक्सप्लेन करें, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमेना इफ यू कंसिडर कि दैट बॉल इज ए पार्टिकल। वी कैन एक्सप्लेन दैट फिनोमेना इफ यू कंसिडर दैट द बॉल इज नॉट ए पार्टिकल बट ए वेव। सो इट हैज अ वेवलेंथ, उसकी एक वेवलेंथ है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो जिस वेवलेंथ के ऊपर है तो वो 10 निशान आप दिखा रहे हैं। तो इस किस्म के फिनोमेना हमारे सामने आए, जिस तरीके से हम जब चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, नेचर ऑफ द लाइट की बात करेंगे, तो हम वहां पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात, तो जब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बात करेंगे या फिर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डबल में स्लिट और सिंगल स्लिट पढ़ाते नहीं आमतौर पर, तो जो स्लिट में से जब लाइट निकलती गुजरती है तो लाइट फैल जाती है। तो इसी तरीके से जब कोई पार्टिकल किसी छोटी सी जगह से गुजरता है, स्लिट से गुजरता है, पार्टिकल भी फैल जाता है। आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, पार्टिकल फैल गया, दिस इज द नेचर। ये पार्टिकल की कौन सी नेचर है, वेव नेचर है, और ये आप सारे जो है प्रूव फिनोमिना है साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, बातें नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव देंगे सारे ये सब कुछ। तो लिहाजा अब इसके ऊपर अगर मैं बात करने लगूं तो फिर बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा हमको, ठीक है। तो एमकैट के लिहाज से दिस इज इनफ। इन इसका अगर मैं आपसे कहूं डेल्टा एक्स और डेल्टा पी यानी पोजिशन मोमेंटम को मल्टीप्लाई करो,
क्या यूनिट बनेगा, वही यूनिट बनेगा जो एनर्जी और टाइम को मल्टीप्लाई करने पर बनता है। याद रखिएगा एन के यूनिट सेम है, तो क्या यूनिट है वही एच, टू पाई टू नंबर इसका यूनिट नहीं होगा, तो एच का प्लैंक्स कांस्टेंट यूनिट क्या हो, तो जूल सेकंड, तो जूल सेकंड, जूल सेकंड, जूल सेकंड, जूल सेकंड एंड जूल सेकंड, तब सेम है राइट। और यहां तो समझ में आ रही है जूल सेकंड, एनर्जी जूल, टाइम सेकंड, ओके। तो ये आसान सी बात है, और वो जो वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मल्टीप्लाई करने पर सेम यूनिट बनता है उसे हम एक नाम देते हैं कैनोनिकली कॉन्जुगेट, कैनोनिकली कॉन्जुगेट ये हम लोग इसको कहते हैं। तो बाहर अगर नाम नाम याद हो तो मसला नहीं है, मैथमेटिकल जो फिजिक्स है उसके अंदर ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहां तक मेरा जो चैप्टर नंबर 17 है वो मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। सर ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था इसमें अंडर रूट 2 ev डिवाइडेड बाय m नॉट था, जब हमने वेवलेंथ के साथ उस इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय वो लिखा तो m नॉट मल्टीप्लाई कैसे हो गया? अच्छा करके बता देता हूं, अभी करके बता देता हूं, ठीक है। और मैंने कहा वो होता है ना, आप लोगों ने किया होता है ना इंटरमीडिएट में, इसलिए मैंने जरा उसको ओवरलुक कर दिया, मैं भी कर देता हूं। लैम्डा है हमारे पास h अपॉन m, m नॉट भी कर देता हूं, ठीक है। और इस v की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट की थी, h अपॉन m नॉट और अंडर रूट मेरे पास क्या था 2EV अपॉन m नॉट ऐसे था, यही है ना, यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा, h अपॉन अंडर रूट 2EV अपॉन m नॉट, ये m नॉट ऐसे थे। क्या इस m नॉट को मैं रूट के अंदर लिखकर इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूं? m नॉट को जो बाहर था उसको रूट के अंदर ले गया तो क्या लगा, ये स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये m नॉट रूट से, m नॉट स्क्वायर रूट से बाहर आके m नॉट नहीं हो जाएगा? अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो एक m नॉट से m नॉट कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या बच गया, h अपॉन अंडर रूट 2ev m नॉट। नंबर 32, द एनर्जी ऑफ द एक्सरे क्वांटम ऑफ वेवलेंथ, एक्सरे क्वांटम का मतलब है एक्सरे फोटोन है हमारे पास जिसकी वेवलेंथ इतनी दी हुई है, एनर्जी कितनी होगी? याद है किसी को फॉर्मूला एनर्जी का क्या होता है? फॉर्मूला होता है एनर्जी का ई इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा, याद है आपको? तो एच सी अपॉन लैम्डा, एच की वैल्यू 6.634 एक्सपोनेंट -34, सी की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 और वेवलेंथ है 1 और एक्सपोनेंट -10। तो बस 1 तो जो डिनोमिनेटर में है उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, -10 को ऊपर ले जाओ 24, -24 और 24 में से 8 निकाले हैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही गैस हो रहा है, आ गया समझ सर, ओके थैंक यू। क्लास क्वेश्चन नंबर 25, जी बताइए क्या होगा। पार्टिकल है जिसका मास है 5 मिलीग्राम, भाई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच की वैल्यू दी हुई है, एम की वैल्यू हमारे पास मास 5 मिलीग्राम है, पहले तो मिली को कन्वर्ट करो, ठीक है, मिली मिलीग्राम, तो मिलीग्राम से अपने किलोग्राम के अंदर जाना है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है मेरे पास, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.634 एक्सपोनेंट -34, तो 6.63 उसने दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब ये है 5 मिली का मतलब होता है -3 मिलीग्राम, हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना है, तो इसको फिर डिवाइड करूंगा किससे, 1000 से, और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, 8 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6.63 एक्सपोनेंट -34 अपॉन 85 से कितना होता है 40 इंटू -3 और ये 3 जीरो भी ऊपर आगे माइनस हो जाएंगे, तो एक्सपोनेंट -6 एक जीरो हटा दो तो ये हो जाएगा -5 राइट, और ये -5 -34 तो ये आपके पास आ रहा है 6.634 अपॉन 4 इंटू 10 पावर, अब 34 में से 5 निकाल दो तो 4 निकालेंगे तो 30 29, तो -29, तो ये -29 वाला तो ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या हमारे पास -29 है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारे -29 है, देख रहे हैं सब -29 लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 6.634 अपॉन 4 है, इसको आपने डिवाइड करना है, तो चूंकि ये 6 है ऑब्वियस सी बात है अगर ये 8 होता तो 4 2 था 8 2 point something आता, लेकिन 6 है 4 है तो 1 आता, तो 4 से ज्यादा है तो 1 point something, तो 1 point something का मतलब है 1.6, ठीक है हमारा जो गैस वर्क है वो हमें बिल्कुल सही जवाब बता रहा है 1.66, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, सही ना, मैं मुतमईन रहूं ना 1.66, क्योंकि 6.6 को तुमने 4 से डिवाइड करना है,
तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे किससे, फोर से, ऐसे डिवाइडेड बाय क्या, तो अब करके देख लो। तो अगर ये जो ऊपर वाला जो नंबर है मेरे पास, ये सिक्स जो है, ये अगर फोर होता तो वन पॉइंट आ जाता, वन आ जाता, लेकिन अगर ये एट होता तो टू पॉइंट पे चला जाता, तो चूंकि ये फोर से ज्यादा तो वन पॉइंट, इसलिए मैं कह रहा हूं 6.634 को जब फोर से डिवाइड करो 1.6 आ रहा, सही है। गुड। 33, द लेंथ ऑफ द मेजरिंग रॉड इज 2 मीटर व्हेन इट इज एट रेस्ट, एल नॉट, जब रेस्ट में है तो लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। What will be the length if this it is moving with a velocity 1/3 the speed of light? 1/3 का मतलब है speed of light को किसे लिखते हैं, c से, c upon 3, 1/3 का मतलब है, 1/3 of the speed of light का मतलब है c upon 3। इसको करने की जरूरत नहीं है, तुमने 364.6 मीटर जो करके लिखा हुआ है। अच्छा जी क्लास मुझे बताइए क्या आंसर होगा। वैसे बात है गेस वर्क करें, छोड़ें सारी बात। लेंथ को हमने जो कंसिक्वेंस था उसका क्या नाम पड़ा था, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन पड़ा था। तो लेंथ जो है वो 2 से कम होनी चाहिए, क्या ख्याल है? लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का मतलब है जब वो मूव करेगा तो लेंथ कम होगी। 5 नहीं हो सकता आंसर, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2.8 नहीं हो सकता, तो क्या बचा, 1.8 बगैर सॉल्व किए। ये समझ में आ गया आप लोगों को कैसे मैंने गेस वर्क किया है? लेंथ कॉन्ट्रेक्शन नाम था, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही, कम हो रही है, तो भाई 2 से कम तो एक ही आंसर है 1.886। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, बगैर सॉल्व किया मैंने इसका आंसर कर लिया। अच्छा 66 क्लास क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट विल बी द डी ब्रॉय वेवलेंथ, वही लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी। मास कितना है, 6 केजी है, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। आपको 6.634 एक्सपोनेंट -34 है। अच्छा इसको किससे डिवाइड करना है, 6 to the 12, 1200 से डिवाइड करना है। 2 जीरो तो वैसे कम करते हैं तो -32 आ जाएगा। तो 6 को 12 से करोगे, 6 को जब 12 से करोगे तो 0.5 वाला आंसर आना चाहिए। तो ये 0.005 वाला अप्रोक्सीमेटली सही जा रहा है। देखो 6.63 एक्सपोनेंट -34 अपॉन एम, मेरे पास कितना है, उसने कितना दिया हुआ है, मेरे पास 6 केजी दिया हुआ है और जो वेलोसिटी है वो दी हुई 200। तो ये 6 टू द कितना हो जाएगा, 12। तो 6.63 एक्सपोनेंट -34 अपॉन ये हो जाएगा 12 और 20। ठीक है। अच्छा अब ये जो 20 है इसको तो जरा तुम ऐसे कर लो, ये है एक्सपोनेंट -34, बल्कि ऐसे कर लो, ये जो जो 20 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, राइट, इनटू ये वाला एक्सपोनेंट -34 पहले से मौजूद है ये वाला। अब है 6.63 को डिवाइड करना है 12 से। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑप्शन देखी है और मैं आपको पहले बता चुका हूं एमकैट में या एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर अगर आपको क्विकली जवाब देना है तो पहले आंसर को देख लो कि आंसर किस फॉर्मेट में। आंसर में सब में -34 आ रहा है, इसलिए मैंने -34 को अलग करके साइड पे कर दिया और अपने जवाब बनाने के चक्रों में देखो। तो ये जाहिर सी बात है ये 6 है और ये 6 का डबल है, तो अगर मैं ऐसे भी कर लूं, अगर इसको खाली 6 मान लेता तो 6 वन जा 6, 6 टू द 12 हो जाता, तो 1/2 कितना होता है 0.5। तो ये मेरे पास हो जाता 0.5 एक्सपोनेंट -2 और एक्सपोनेंट -34। अब ये 34 के जरिए -2 के जरिए मैं क्या कर सकता हूं, पॉइंट को 2 डिजिट कहां पे मूव कराऊंगा, लेफ्ट पे मूव कराऊंगा, याद है ना। तो ये मेरे पास लैम्डा कितने के बराबर आ जाएगा, 0.005 इंटू 10^-34। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। ओके तो 0.5 का 2 जीरो मैंने और लगा दिए, किसकी वजह से लगाया, इस -2 की वजह से। सही भाई, अब समझ में आ रहा है 0.00 मैंने क्यों किया, आई बिलीव अब ये बात समझ में आ गई होगी। क्लास 37 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं लेकिन वहां हमने बगैर उसके किया था, कैलकुलेटर के जवाब दे दिए थे। यहां मुझे बताइए, कह रहे द लेंथ ऑफ द मेजरिंग रॉड इज 1 मीटर, 1 मीटर की रॉड है, व्हेन इट इज एट रेस्ट, जब वो रुकी हुई है, व्हाट विल बी द लेंथ इफ इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी 1/3 स्पीड ऑफ लाइट, 1/3 कीजिए सॉल्व इसको। 1/3 का मतलब है कि जो वी है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है वो सी अपॉन 3 है, 1/3 स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो हमने कहा कि जो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का फॉर्मूला है वो ये होता है 1 - b² अपॉन c² मल्टीप्लाई बाय l नॉट, सो l इज इक्वल टू l नॉट है मेरे पास 1 अंडर रूट 1 माइनस, ये नीचे c² तो c² है,
अब ये उसने कहा कि जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से 3 times वन थर्ड है, इसको मैंने लिखा सी अपॉन 3, बात समझ आ रही है? तो मैं इसको लिख रहा हूं सी अपॉन 3 डिवाइडेड बाय सी, और इसको मैं होल स्क्वायर कर लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, ठीक है ना, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को मैं इस तरह होल स्क्वायर कर सकता हूं ना, तो ये सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एल इज इक्वल टू 1√1 माइनस, अब ये सिर्फ रह जाएगा 1/3, ठीक है, नीचे वाला सी तो कैंसिल हो गया 1/3, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ये, और ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडर रूट के साथ खेलो, तो 1 − 1/9 एलसीएम कितना देगा 9, और 9 − 1 और सब पे रूट लगा दो, तो 9 − 1 कितना होता है 8/9 और रूट। अच्छा अब इसको जो रूट जो 9 है वो रूट से बाहर आगे कितना हो जाएगा 3, और जो 8 है उसको मैं लिख सकता हूँ 4√8, क्या ख्याल है, ऐसे लिख सकते हैं, और 4√ से बाहर आगे कितना हो जाएगा 2, तो 2√2/3, तो ये रहा 2√2/3। नंबर 12, द कन्वर्जन ऑफ फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, क्या बोलते हैं भाई इस प्रोसेस को, सी पेयर प्रोडक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड एलिफिया। नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोन इज या आर करेक्ट, बताइए भाई फोटोन मास क्या चार्ज होता है, हैज नो चार्ज, बिल्कुल ठीक बात है, फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज लेस मैंने बताया था, मैस होता है जीने कोई मैस नहीं होता, हमने बताया था मैसलेस पार्टिकल है, इज द लाइटेस्ट पार्टिकल, सबसे हल्का पार्टिकल है, अब जाहिर सी बात है पार्टिकल आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन सबके मैस है, इसका तो मैस भी नहीं है, तो सबसे लाइटेस्ट कौन होगा, प्रोटॉन ही होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन बना, कौन सा सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, या 1 2 सही है, या 1 2 3, तीनों सही है, तीनों सही है सर, वेरी गुड। Identify the postulate या postulates of special theory of relativity, दो तो postulate हैं यार, और इसने दो ही लिखे हैं, चेक कर लो क्या दोनों सही लिखे हैं, एक तो ये कोई preferred inertial frame नहीं है, of reference नहीं होता, जिसका मतलब ये होता है, जिसका मतलब ये है कि तमाम inertial frame आपस में same है, ये हमने कहा था ना कि all inertial frame of reference are equivalent for the description of physical laws, ये इसने जो ऊपर है थोड़ा सा technical जबान लिखी है जो कि actual जबान है ऊपर जो लिखा है, लेकिन हम आमतौर पे इंटरमीडिएट में यहां से शुरू करते हैं कि तमाम इनर्शियल फ्रेम इक्विवेलेंट है, मैंने भी यहां से शुरू किया था, उसने लिखा हुआ है, तो पहली बात तो ये भी था हमारे पास। दूसरा स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, वो सोर्स पे ऑब्जर्वर पे किसी पे डिपेंड नहीं करती, तो इज द सेम फॉर सबके लिए सेम है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स, दोनों सही है यार। नंबर 12, द फिनोमेना इन विच सर्टेन मेटल इमिट्स, मेटल क्या कर रही है, वो इमिट कर रही है इलेक्ट्रॉन When exposed to high frequency light में जब हम expose करते हैं, ए good good, बिल्कुल सही है, photoelectric effect है, कल हमने इसके ऊपर बात की थी, बस ठीक है, thank you so much, आज की class end हुई।